मालिक, आगे बढ़िए और पराजित कर दीजिए इन सभी अहंकारी यदुवंशियों को। और विशेष रूप से इसे इसने मेरी सभा में आकर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया था। महादेव, ये युद्ध यदुवंशियों और बाणासुर के मध्य, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। बाणासुर की रक्षा का वचन दिया है मैंने। उसे युद्ध में हस्तक्षेप कहकर आप अनुचित कर रहे हैं। मैं आप पर आक्रमण नहीं करना चाहता हूं महादेव, और आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे विवश ना करें। विकल्प अब भी आपके समक्ष। यदि विकल्प ये है कि मैं अपने वचन का परित्याग कर दूं, मुझे ये स्वीकार नहीं। आपका अंतिम निर्णय क्या है महादेव? अनुमति मांगता हूं महादेव। महादेव और श्री कृष्ण के बीच अब महायुद्ध का आरंभ होगा, परंतु दोनों ही मर्यादाओं से बने हुए हैं। महादेव इस युद्ध में बाणासुर के रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए युद्ध का आरंभ महादेव नहीं करेंगे।
एक महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर है। श्री कृष्ण अपने धर्मवाणा अस्त्र से महादेव पर आक्रमण करेंगे नारद। किंतु ये अस्त्र तो श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के निवेदन पर स्वयं महादेव ने श्री कृष्ण को ऐसा करने के लिए कहा है नारद। नारायण नारायण। क्षमा करें महादेव, मैं जो भी कर रहा हूं आपके आदेश के अंतर्गत ही कर रहा हूं।